यार, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टू नाइट अपडेट के बारे में, मतलब कि आज रात 12 बजे के बाद में क्या अपडेट एंड इवेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि भाई अभी आप लोग जाओगे इवेंट वाले सेक्शन के अंदर और यहाँ पर देख पा रहोगे जो आप लोग का टॉप अप इवेंट है, मतलब कि यहाँ पर ये गिटार वाला इमोट एंड कार की स्किन एंड जो की स्किन, मतलब कि जो टॉप अप इवेंट है, जो रिवॉर्ड है, जी आज रात 12 बजे के बाद में चले जाएंगे मॉर्निंग के टाइम तक, क्योंकि इसकी यहाँ पर डेट दिखा रहा है 23 दिसंबर, इसकी लास्ट डेट है। तो ये टॉप अप इवेंट जाने वाला, ठीक है। तो कल वाले दिन अपने गेम के अंदर कौन सा टॉप अप इवेंट आएगा, कौन से रिवॉर्ड रहने वाले, चलो गाइस वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये रहा फ्रेंड हम लोग का न्यू टॉप अप इवेंट, मतलब कि यहाँ पर चिकन डिनर वाला जो इमोट है ना भाई, चिकन खाने वाला ये इमोट कल वाले दिन अपने न्यू इवेंट पर आप लोग को देखने को मिल सकता है, अभी देखने को मिल सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि इस बार का जो टॉप इवेंट है वो कंफर्म नहीं हुआ है, तो जो लीक्स आ रही है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये इमोट आप लोग को कल वाले दिन न्यू टॉप इवेंट पर देखने को मिल सकता है, एंड इसके साथ आप लोग को जो गिटार की स्किन है, जो की बैकपैक की स्किन है गाइस, आप लोग देख लो लेवल 3 लेवल 2 लेवल 1 तक की जो है मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो ये बैकपैक की स्किन है जो की कल वाले दिन आप लोग को न्यू टॉप इवेंट पर ये भी देखने को मिल सकती है। तो गाइस यहाँ पर मैंने अभी आप लोग को दो रिवॉर्ड दिखाया, दो रिवॉर्ड में से कोई सा भी रिवॉर्ड आप लोग को न्यू टॉप इवेंट पर देखने को मिल सकते हैं। बाकी इसके अलावा गाइस मैं आप लोग को बता दूं, इसके अलावा भी हो सकता है आप लोग को कोई डायमंड वाला टॉप इवेंट भी आप लोग को देखने को मिल सकता है, मतलब कि लेज इज मोर या फिर डबल डायमंड वाला टॉप इवेंट, कोई सा भी डायमंड का टॉप इवेंट भी कल वाले दिन आप लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार का टॉप इवेंट कंफर्म नहीं है। ग्रीना वाले कुछ भी टॉप इवेंट दे सकते हैं, ठीक है। जो लीक्स आ रही थी वो तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई दी है, ठीक है। बाकी हाँ, इसके अलावा फ्रेंड आप लोग को एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, जैसे कि आप लोग को पता होगा मेल्टिंग वॉल्ट करके एक इवेंट आया था अपने गेम के अंदर, जिस इवेंट का बैनर तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो। और इस इवेंट के अंदर क्या होगा इस आप लोग को पता होगा, बहुत सारे लोगों ने अपने आइटम यानी कि रिवॉर्ड को खो दिया है। ये इवेंट कुछ इस तरीके का था कि इस इवेंट के अंदर आप लोग के पास जितने भी रिवॉर्ड है उन रिवॉर्ड को आप लोग को ग्रीना वालों को रिटर्न कर सकते थे, जो आप लोग यूज नहीं करते रिवॉर्ड को, इमोट हो गया, बंडल वगैरह कुछ भी आप ग्रीना को रिटर्न कर सकते हो, ठीक है जी। उस टाइप का ये इवेंट था, तो यहाँ पर लोगों को पता नहीं था, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जो आइटम है वो खो दिए गलती से, रियर रियर बंडल, रियर रियर गन की स्किन है, सब कुछ खो दी ग्रीना वालों को, वापस कर दी गलती से। तो उससे हुआ ये कि यहाँ पर बहुत सारा स्कैम हो गया, मतलब कि बहुत सारे बच्चों ने गलती से सारे रिवॉर्ड अपने ग्रीना वालों को दे दिए, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं पर गलत हुई, तो ये इसके ऊपर जो ग्रीना वालों ने अनाउंसमेंट कर दिया है, बैनर भी निकल कर गाइस आ चुका है और इवेंट तो कब का खत्म कर दिया, ठीक है। तो अभी आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लो, जिसने जिसने इस इवेंट को यूज किया होगा, जिसके रिवॉर्ड जा चुके हैं अपनी आईडी से, कुछ भी टेंशन मत लो, आप लोग के सारे रिवॉर्ड वापस मिल जाएंगे, ग्रीना वाले वापस कर देंगे और इवेंट भी रिटर्न आएगा अपने गेम के अंदर कुछ समय के बाद में। लेकिन हाँ, उस इवेंट के अंदर कुछ ऐसा आपकी नहीं रहेगा कि आप अपने रिवॉर्ड को ग्रीना वालों को दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। इवेंट नॉर्मल डायमंड वाला इवेंट बन के आएगा वो, और आप लोग उस इवेंट को यूज भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को देना जरूरी थी, क्योंकि बहुत सारे बंदे हैं ऐसे जिनके संग स्कैम हो चुका है, उनके जो रिवॉर्ड वगैरह है वो गलती से ग्रीना वालों को नहीं दे दिए थे। बाकी बस फ्रेंड, आज की इस टू नाइट वीडियो में इतनी था, जो कि मैंने आप लोगों को फुल डिटेल बता दिया। प्लीज सारे बंदे इस वीडियो को लाइक करो, एंड अगर चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।